बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ़ यू आर अ पिज़्ज़ा लवर लाइक मी तो ये रेसिपी आपके लिए। पिज़्ज़ा हट चिकन फजीता की कॉपी कैट है, बहुत अच्छी बनती है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, एग्जैक्टली आप लोग पिज़्ज़ा मास्टर बन जाएंगे। पहले यहाँ पे उसका पानी वाला मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। उसके अंदर आपने नीम गर्म पानी लेना है। सारी मेजरमेंट्स क्वांटिटी मैंने हर चीज़ स्क्रीन पर मेंशन किया, तो आपने कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना। पानी वाला मिक्सचर तैयार करके हम उसको रेस्ट के लिए रख देंगे 7 से 8 मिनट। तब तक आप लोगों ने अपना मैदा लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने सॉल्ट ऐड करना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर आप लोगों ने अपना पानी वाला मिक्सचर जिसमें यीस्ट ऐड की उसको ऐड करेंगे, 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। स्टार्टिंग में बहुत स्टिकी होगा, परेशान ना हो जाइएगा। इसको अच्छे से आप लोगों ने गूंदना है, नीट करना है। जितना आप लोग अच्छे से इसको गूंदेंगे उतनी अच्छी आप लोगों की सॉफ्ट और फ्लफ़ी डो बनेगी। तो बहुत अच्छे से दिल लगा के करना है। उसके बाद आपने इसको ऑयल से कवर करके इस तरह से रेस्ट करने के लिए रख देना है। राइस होगा फॉर एटलीस्ट 1 आवर लाजमी रखना है, 2 घंटे रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप लोगों ने इसको आराम से निकालना है। इसका एक बड़ा सा बॉल बना के इसके 2 मेजरमेंट्स में करके बराबर कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं जो क्वांटिटी बना रही हूँ वो 2 मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा के लिए है। फिर आपने इसको अच्छे से किसी भी रोलिंग पिन की मदद से, जैसे आप लोग रोटियाँ बनाते हैं चाहे वो ले लें, कोई भी रोलिंग पिन की मदद से आप लोग इसे फैला लें। फैलाने के बाद बड़े आराम से इसको उठाएँ, बहुत सॉफ्ट होगी। यहाँ पर पिज़्ज़ा पैन के अंदर डालें, इस तरह से उसको स्प्रेड करते जाएँ और साइड्स पर आहिस्ता आहिस्ता से लेते आएँ और अपने पैन को आहिस्ता आहिस्ता से घुमाते जाए। बहुत मुश्किल नहीं है, बिगनर भी कर सकते हैं, जिनको रोटी बनानी नहीं आती वो भी ये कर सकते हैं। इसको साइड पर रख लें, चिकन फिलिंग तैयार करते हैं। क्रीम लेनी है, योगर्ट लेनी है, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, तंदूरी मसाला बहुत कम, 1 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं। ऑयल ऐड करें बहुत थोड़ा सा और इसको लो फ्लेम के ऊपर आपने कुक कर लेना है। बहुत चिकन सॉफ्ट और अच्छा तैयार होगा। फिर आप लोगों ने अपनी पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। पिज़्ज़ा सॉस मैं कौन सी यूज़ कर रही हूँ उसके लिए आप लोगों ने जाके मेरी पिज़्ज़ा सैंडविच वाली वीडियो देख लेनी है, आप लोग को आइडिया हो जाएगा। बेस बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा अपना चिकन ऐड करना है और थोड़ी सी चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपनी टॉपिंग्स ऐड करेंगे, जिसमें अनियन आएगा, फिर आपका चिकन फुल लेवल का आएगा जितना भी आपने ऐड करना है। नीचे पहले हमने थोड़ा सा चिकन चीज़ इसलिए ऐड किया है ताकि हमारे जो टॉपिंग्स हैं मेन है वो उभर के बाहर आएंगे पिज़्ज़ा के दौरान। फिर अपनी फाइनल चीज़ की लेयर लगाएंगे और अपने साइड्स जहाँ पे पिज़्ज़ा सॉसेस को लाजमी कवर करने, ऊपर से चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करें, थाइम, ओरिगैनो जो दिल करता है स्प्रिंकल करें और इसको बेक कर लें। एट 170 या 180 डिग्री पे बेक होगा। ये लोअर रोड को यूज़ करते हुए 15 मिनट्स बेक होगा। एंड के आप लोगों ने अपर रोड ऑन कर देनी है जब तक आपकी चीज़ मेल्ट होकर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। इसको एंजॉय करें। इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब।